दोस्तों, आप सभी ब्रिज से गुजरते होंगे। ये ब्रिज बहुत ही मजबूत होते हैं और कुछ ब्रिज तो देखने में बेहद सुंदर भी होते हैं, लेकिन जब ये ही सीमेंट कंक्रीट लोहे से बने ब्रिज पुराने हो जाते हैं और कमज़ोर पड़ने के कारण टूटने से अपने साथ बहुत ही जाने भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पुराने ब्रिज पर ना ही खुद वाहन चलाएँ और ना ही दूसरों को चलाने दें, क्योंकि जान बहुत ही कीमती है। ये एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही पांच ऐसी ब्रिज के बारे में बताऊंगा जो किसी सीमेंट से बने नहीं, ना ही किसी लोहे से। इनमें से कुछ ब्रिज तो केवल जंगली घास से, रस्सी से या सिर्फ कांच से बने हैं। ये सब सुन के तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनको पार करके जाने में कितना खतरा है। इन ब्रिज पर चलने से जान का खतरा हमेशा रहता है, साथ ही इन पर चलने से कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है, इसलिए इन छह ब्रिजों को दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ बेहद ही जानलेवा और खतरनाक ब्रिज के बारे में। पहला, क्वेस्वाचिका ब्रिज। ये ब्रिज 600 साल पुराना है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में से एक है। यह ब्रिज पेरू देश के कुजकू गांव में है, जिसे रोप ब्रिज भी कहा जाता है। यह जंगली घास की रस्सी का ब्रिज है। यह ब्रिज 120 फीट लंबा है। यह ब्रिज की ऊंचाई 118 फीट है और यह ब्रिज कैनियन नदी पर बना हुआ है। बारिश के मौसम के समय घास गलने लगती है, जिसके कारण इस ब्रिज की मरम्मत हर साल की जाती है। यह ब्रिज बारिश के मौसम में बेहद ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जंगली घास के गलने के कारण यह ब्रिज बेहद ही कमजोर और बहुत ही फिसलावदार हो जाता है। दूसरा, इनका जंगल ब्रिज। यह ब्रिज बेहद ही खतरनाक है। जितना खतरनाक ये ब्रिज है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये जंगल है। यह जंगल इतना खतरनाक और जानवरों से घिरा हुआ है कि अगर नीचे से जाया जाए तो मौत आना निश्चित है, इसलिए इस ब्रिज का नाम ही इनका जंगल ब्रिज रखा है। यह ब्रिज पार करना बेहद ही खतरनाक है। यहाँ के रहने वाले लोग इस ब्रिज पर चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी भी गलती से हमको मौत का शिकार होने में देरी नहीं लगेगी। तीसरा, हुंजा रिवर ब्रिज। उत्तरी पाकिस्तान के हुंजा नदी पर बने इस पुल पर से गुजरने पर आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस ब्रिज पर चलने के लिए बेहद डेयरिंग की ज़रूरत है। इस ब्रिज में एक एक फुट की खाली जगह का गैप है, और यह गैप इतना ज़्यादा है कि कोई भी इससे नीचे गिर सकता है। लकड़ी से बने बेहद लंबा ब्रिज होने के कारण यह बहुत ही हल्का है, जिसके कारण इस पर चलने से यह बहुत ही ज़्यादा हिलने लगता है, जिस वजह से ब्रिज किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। चौथा, लांग कावी स्काई ब्रिज। यह ब्रिज मलेशिया में है। यह 125 मीटर घुमावदार पैदल जाने के लिए केबल स्टे ब्रिज है। यह ब्रिज की हाइट समुद्र से 660 मीटर की ऊंचाई पर है। यह ब्रिज बहुत ही खतरनाक है। यह ब्रिज को 2005 में बनाया गया था, मगर इसको 2012 में बंद कर दिया था, क्योंकि इसके इतने खतरनाक होने के कारण इसकी मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल थी। मगर बहुत मेहनतों के बाद यह ब्रिज को 2015 में वापस से शुरू किया गया। फिर भी यह ब्रिज मौत से चुनौती लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। पाँचवा, ग्लास बॉटम्ड ब्रिज चाइना। चीन में बने इस ब्रिज की ऊंचाई बेहद ही ज़्यादा है। चीन में बने इस कांच के ब्रिज ने बहुत से पर्यटकों को लुभाया है। यह ब्रिज कांच से बना हुआ है। यह कांच पारदर्शी है। पहली बार इस ब्रिज में चलने से अच्छे अच्छे बहादुरों के पसीने छूट जाते हैं। इस ब्रिज में एक साथ 2000 लोग चल सकते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि चीन के इंजीनियरों ने इस कांच के ब्रिज को बाकी ब्रिजों के मुकाबले बेहद ही मजबूत बनाया है। यह ब्रिज हथौड़े मारने पर भी नहीं टूटता। इसे अन्य ब्रिजों से 2 गुना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। छठवां, AI पैट्री ब्रिज इन क्रीमिया। दोस्तों, ये ब्रिज AI पैट्री माउंटेन पर बना है, इसी वजह से इसका नाम AI पैट्री ब्रिज है। यह एक पहाड़ है। यह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के शॉर्टकट रास्ता है। यह ब्रिज 4000 फीट ऊंचा है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर एडवेंचर के जरिए जाने के लिए लोग ये ब्रिज चुनते हैं। यह ब्रिज लकड़ी से बने होने के कारण इतने ऊंचाई में बेहद हिलता डुलता रहता है, जिसके कारण ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। इस ब्रिज से गिरने से बहुत से लोगों की जान भी गई है। तो दोस्तों, आपको ये ब्रिज कैसे लगे और आप इनमें से कौन से ब्रिज में जाना पसंद करते हैं, ये हमको ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपने अभी तक नॉलेज से भी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।